तो आज हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ साइंस टू, तो पहला बिल्कुल टाइम पास आपका करूंगा नहीं, यहाँ पर डीएनए टू एमआरएनए आपका आ जाएगा आंसर ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट का आ जाएगा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इनकम्प्लीट कंबशन बोला है यहाँ पर, इनकम्प्लीट नहीं बोला है, मतलब पूरा कंबशन होने के बाद हमको मिलता है CO2। अगर बोला होता इनकम्प्लीट, अधूरे कंबशन में क्या निकलता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। हम प्रार्थना करेंगे और डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ के सबको मार्क्स मिले यहाँ पर, लेकिन देखेंगे, लेट्स सी। फिर ये था मेटाफेस, नेक्स्ट था ग्लूकोनिक एसिड, ईजी था काफ़ी, इसका कुकिंग था, प्लेटी एलिमेंट्स का बहुत सारे लिख सकते थे, लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म, प्लेनेरिया, ठीक है, तो इसके बहुत सारे थे, तीन तीन थे। इसका आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट आ जाएगा टेस्टिस, इट प्रोड्यूस स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा, एकदम सिंपल था। और नेक्स्ट आ जाएगा डक, बिल्ड प्लेटिपस। बाकी तो पेपर डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक आया था, बहुत ही बेसिक। आई डोंट थिंक सो किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर होनी चाहिए, एकदम बेसिक था, या फिर भी आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में प्रॉपर तरीके से। हाँ, अगर प्रॉब्लम होगी तो एक ही होगी कि आपने ऑब्जेक्ट में मिस्टेक की होगी, बाकी पूरा पेपर बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली था। थैंक यू।